और इस वक्त आपको सीधा लिए चलते हैं अरुण जेटली वित्त मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नोटबंदी के और स्वाभाविक है कि अलग अलग क्षेत्रों में इसके बढ़ती हुई जो एविडेंस है वो उभर कर सामने आ रही है। मतलब एक वर्ष पहले देश में डिजिटल ट्रांजैक्शंस के माध्यम से हजारों तरह के ट्रांजैक्शंस हों, ये कभी कल्पना थी क्या कि हर एक को मनरेगा की पेमेंट बैंक अकाउंट में मिल जाएगी, स्कूलों के बच्चों की फीस एकदम उनके बैंक अकाउंट्स में चली जाएगी, टी गार्डन्स में वेतन उनके बैंक अकाउंट्स में चला जाएगा। ये सब जो कल्पनाएं हैं धीरे धीरे उभरती हुई 8 नवंबर की इस घटना के बाद से आ रही हैं और ये एक प्रोसेस अनलीश किया है 8 नवंबर के डिमोनेटाइजेशन ने। It's two general phrases. Now, a more efficient system which checks evasion is a fair and honest system. It can't be a terrorism system. So, an efficient system enables us to check evasion. It only enables us to ensure that people must pay what they have to pay. आप पूछिए। दस वर्ष तक एक पॉलिसी पैरालिसिस कुछ ना करना, ऐसी हुकूमत चलाना, और प्रधानमंत्री जी ने एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एक के बाद एक करके बदलाव लाने का प्रयास किया है। यूपीए और एनडीए में एक तरफ पॉलिसी पैरालिसिस, एक तरफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर निशाना साधा।